Hello, how are you students? Today I am going to teach marigold, a kite, unit 7. Learn and enjoy this poem. तो बच्चों आज आप पढ़ने जा रहे हैं एक पतंग और ये यूनिट 7 है. तो इस पोयम को आप सीखेंगे और एंजॉय करने करके पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आई ऑफन सेट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो विच एवर वे आई chanced to blow. Let's once again read. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the bridge and go whichever way I chance to blow. तो एक पोएम की रीडिंग तो हो गई, अब इसका मतलब भी समझना जरूरी है. I often sit, मैं अक्सर बैठता हूँ और सोचता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि मैं एक पतंग होता जिससे कि मैं आकाश में ऊपर जाता और किस पर राइड करता, हवा में, हवा की सवारी करता और जाता विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, जहाँ मेरा मन करता वहाँ मैं उड़ जाता. तो ऐसा ये लड़का सोचता है. ठीक है, न्यू वर्ड्स, तो नए शब्दों को सीखिए. ब्लो, ब्लो मीन्स बहना, यहाँ पर ब्लो का मतलब होता है हवा में उड़ना. ब्रिज, ब्रिज मतलब हवा जो धीरे धीरे चलती है उसको ब्रिज बोलते हैं. हवा जो धीरे धीरे चलती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज. चांस्ड, मौका. काइट मीन्स पतंग, सिट मीन्स बैठना. लेट्स रीड, चलो पढ़ें. आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ. आई लव टू सिट अंडर अ ट्री, मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद है. रीडिंग इज फन. What does the child wish to do? Wish to be. बच्चा क्या बनना चाहता है? बच्चा पतंग बनना चाहता है ना? The child wish to be a kite. The child wish to be kite. What does the child wish to do with the bridge? What does the child wish to be with the bridge? Bridge के साथ बच्चा क्या करना चाहता है? उड़ना चाहता है, ब्लो करना चाहता है ना? तो द चाइल्ड विश टू ब्लो विद द ब्रिज, बच्चा हवा के साथ बहना चाहता है. जहां हवा बहती है वहां वह बहना चाहता है. कैसे? पतंग बनकर. लेट्स टॉक. व्हाट वुड यू लाइक टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो? जैसे बच्चा तो पतंग बनना चाहता है, तो आप क्या बनना चाहते हो? आप भी पतंग बनना चाहते हो? तो आप बोलोगे आई लाइक टू बी अ काइट. इमेजिन यू आर अ बर्ड, इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई. डिस्क्राइब दैट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू. सोचो कि तुम अगर बर्ड हो स्काई में, आसमान में तुम एक पक्षी हो, बर्ड हो, तो डिस्क्राइब करो अपनी फीलिंग व्हेन यू सी अ काइट, जब तुमको पतंग दिखेगी उड़ते हुए आपके पास, है ना? तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जब आप एक बर्ड होते, आकाश में उड़ रहे होते, तो आपको एक पतंग दिखती, तो आपको लगता है कि मैं भी पतंग में बैठना चाहिए, मुझे भी पतंग उड़ाना चाहिए. ऐसा कुछ लगता ना?
ऐसा कैसे बोलोगे इंग्लिश में? इफ आई एम अ बर्ड इन द स्काई एंड व्हेन आई सी अ काइट आई थिंक दैट आई विल फ्लाई विथ काइट, आई विल ब्लो विद द काइट। मुझे भी पतंग के साथ साथ उड़ना चाहिए, जैसे पतंग उड़ती है मुझे भी उड़ना चाहिए। से अलाउड ब्राइड काइट राइट साइड स्काई कार्ड चांस डांस फास्ट पार्ट। डू यू नो मोर वर्ड्स विथ दीज साउंड्स? डू यू नो मोर वर्ड्स विथ दीज साउंड्स? ऐसे कुछ और वर्ड्स तुमको पता है जो इस तरह के हों? ब्राइट काइट राइट साइड स्काई है ना, टाई माई साई है ना, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। कार्ट चांस डांस फास्ट पार्ट कार्ट मार्ट है ना पार्ट, ऐसे शब्द हैं। लेट्स हियर व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई? आकाश में और कौन कौन सी चीजें उड़ती हैं? काइट बर्ड एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, क्लाउड्स क्लाउड्स फ्लाई इन द स्काई। और क्या उड़ता है, और क्या उड़ता है आकाश में? स्मोक है ना, पत्ता भी उड़ता है आकाश में। आप जो कागज से प्लेन बनाते हो पेपर प्लेन, वो भी आकाश में उड़ता है ना, हवा में उड़ता है। इफ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? अगर आपके पास विंग होते पंखे होते तो आप कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। इफ आई हैड विंग्स आई शुड फ्लाई इन द स्काई। ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स, ये डॉटेड लाइन है ना, इनको आपको ज्वाइन करना है। ये सभी डॉटेड लाइन को ज्वाइन करके क्या बनाओगे? कैलेट्स बनाओगे, ठीक है। लेट्स डू अनदर टास्क। यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज। कलर द पिक्चर्स, डे स्काई नाइट स्काई है ना। हाँ, डे स्काई में आपको क्या दिखेगा? सूरज दिखेगा। सो यू हैव टू ड्रॉ सन हियर, ओके। और डे स्काई में रेनबो भी दिख सकता है, तो यू हैव टू ड्रॉ रेनबो हियर एंड सन। नाइट स्काई में क्या दिखेगा आपको? मून एंड स्टार्स। सो यू नीड टू ड्रॉ मून एंड स्टार्स इन नाइट स्काई, ओके। कैन यू डू डू इट? You see them all in the sky. Fill in the blanks by choosing words from the box. Stars, sun, cloud, rainbow, moon. Sun. This is a sun. You write sun here. This is rainbow. Right here, rainbow. This is moon. You write here moon. This is
stars. You write stars here. And this is what? Cloud. This is cloud. You need to write cloud here. So students, in our next video, I will teach you Sundari. Okay. Do you want this video of Sundari? Okay. If you want, you need to subscribe this channel, like the video, and share it with your friends. Thank you very much.